बात है, डर लग रहा है तुम्हें? सीट बेल्ट लगा लो भाई साहब। लगा लोगे? खेचो से भैया। ये बात कहाँ के हो? मैं भाई साहब चौमा का हूँ। चौमा के हो? अच्छा, चौमा से आते हो रोज यहाँ? रोज आते हो? हाँ डेली आऊँ भाई साहब। आपका आकर मजबूरी को नाम महात्मा गांधी है, मजबूरी को नाम महात्मा गांधी है। बात तो सही है। महात्मा गांधी है सर, ये बात तो है। नाम है तो फिर घर ना है कछु। बड़े उड़े हो गए हमें, घर बैठे बैठे राजा महाराजा इनको खजाने खा लिया है हमें। हाँ जी बात जी, तो बिल्कुल सही बोले। कछु कर लेंगे तो कछु पा लेंगे। और का शादी आ गई? हम भाई साहब आ गए। बालक हैं? दो लड़का है, एक लड़की। अच्छा, गर्मी लग रही होगी? मैं लग रही ना। हेलो, हाँ जी सर। हाँ बस निकल लिए हैं, पहुंच रहे हैं अभी थोड़ी देर में। हाँ हाँ, समस्या का समाधान हो गया है, बिल्कुल हो गया है। अच्छा, आतंक मचा रखा है बाघ ने। चलो कोई बात नहीं सर, अभी पहुंचते हैं थोड़ी देर में। हाँ ठीक है, अभी पहुंचते हैं। बीड़ी बीड़ी पीते हो? ना ना, बीड़ी ना पीने। ठीक है, ओके। दरअसल हम हैं वन विभाग के अधिकारी। अच्छा, वन विभाग के बारे में सुना है? वन विभाग के अधिकारी। अच्छा, जैत को नाम सुना है तुमने? जैत? हाँ सुना है। जैत में आ गया बाघ। बाघ तो देखा होगा? देखा है। तो अब बाघ को पकड़ने के चक्कर में लग रहे हैं कम से कम 20 दिन से। बकरियां रखी, भेड़ रखी कि बाघ आ जाए, देख के आ ही नहीं रहा है। कई लोगों को नुकसान पहुंचा चुका है, घरन में घुस चुका है लोगों के। तो अब जब सब लोगों ने मिलके बातचीत की, हम डिपार्टमेंट वाले लोगों ने, तो उन्होंने बोला इसे चाहिए आदमी को मांस। आदमी के मांस की वह जरूरत है। आदमी का मांस दिखाओगे जब पिंजड़े में आए वो। अच्छा, चक्कर जी है। और अब हमें मांस की जरूरत आदमी के की। तुम कहो तो तुम्हें यार 2000 रुपया दिब्बा दें, खाली पिंजड़े में बैठनो है। और फोन चालू रखियो, तुरंत फोन कर दियो जैसे ही बाघ आए, सो ही हम दबोच लेंगे भाई। नहीं नहीं, क्यों कहा होगा तुम? नहीं, डर लग रहा है? डर नहीं कहवाते हमें, हम भी हैं, हमें फोन करियो तुरंत आ जाएंगी, पूरी टीम आ जाएगी। नहीं नहीं, अधिकारी लोग हैं, कोई छोटे मोटे आदमी तो है ना, जो परेशान रह रहे हो, सरकारी काम है। बताओ। नहीं, वैसे कुछ हुआ नहीं, अगर बाय चांस कछु हो जावे तो अच्छा खासा पैसा मिलेगा, खूब बढ़िया नाम होगा तुम्हारा, सब पूछेंगे।
कितना बढ़िया काम करके गया। नहीं क्यों, हमने करा नहीं है ऐसा काम, हमने करा नहीं है ऐसा काम। मैं तो करना कहा है, वहाँ पिंजड़े में बैठना है तुम्हें। जैसे ही आए नंबर चालू रखिए, तुरंत फोन मारी हूँ मैं, बगल में पूरी टीम रहेगी तुम्हारे। बताओ ना। 2-2.5 हजार रुपए एक सेकंड में मिल जाएंगे, और कछु रहता है तो पूरा सम्मान मिलेगा। नहीं नहीं, सरकार की तरफ से। तुम डर रहे हो यार, चलो ताबीज माला पहनो, डरने की कोई जरूरत ना है। नहीं, भगवान का पढ़ा हुआ हनुमान जी का। नहीं नहीं, क्यों डर लग रहा है तुम्हें, क्यों क्या हो जाएगा, सरकारी काम है, नाम हो जाएगा तुम्हारा, डर रहे हो। अरे काहे को डर रहे हो यार, का है, बेल्ट मत उतारो, चालान कट जाएगा, आगे पुलिस पकड़ लेगी। क्या हो गया, मुझे जाने दो, मुझे मुझे जाने दो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। हाँ डर लग रहा है तुम्हें, काहे को, ऐसे थोड़ी ना खुलती है, खोल दूंगा, टेंशन मत लो, आगे खोल दूंगा। परेशान काहे को है, ना जा रहे तो कोई बात ना है, जबरदस्ती थोड़ी है, तो जबरदस्ती थोड़ी है, रोक देंगे तुम्हें आगे, टेंशन ले चलने वापस, तुम्हें वापस ले चले है, डर लग रहा है तुम्हें, क्यों ना मेरा यार। अरे काहे को डर रहे हो, कछु ना यार, काहे को डर रहे हो, इतना डर है भैया मेरा यार, ना जाओगे, चलो तो वापस छोड़, काहे घबरा रहे हो भैया मेरा यार, तो ना ले जा रहे तुम्हें, गाड़ी तो मोड़ ले, गाड़ी मोड़ मेरा यार, पक्की बात है, डर लग रहा है तुम्हें यार, इतने मजबूत आदमी है कि लोग मोड़ लेते हैं गाड़ी, का पता नहीं रहे हो, न जाओगे ना, देख लियो, समझ लो बात है ना, मैं ना यार, चलो फिर मोड़ लेते हैं गाड़ी, तो मैं ले चलने वापस, थोड़ी देर में 2-2.5 हजार रुपए मिल जाएंगे। ना ना मैं ना यार भैया, सरकारी काम से भी डर, मैं ना यार भैया, ना जाओगे ना, चलो ठीक है ना ले जा, ला ले वापस ले रहा हूँ भाई, गाड़ी देख, घबरा मत, देख घबरा मत, देख सामने इधर देख, वीडियो बन रही, कॉमेडी चल रही है, घबरा मत, घबरा मत, तेरे को वापस छोड़ रहे, चल भैया मेरा यार, अरे वापिस ले चल रहा हूँ, गाड़ी मोड़ तो रहा हूँ यहाँ से, ये मोड़ रहा हूँ, अरे तो मोड़ तो रहा हूँ मेरे भाई, जी गाड़ी ना मोड़ू, नहीं छोड़ यहीं चला जाएगा, फिर तो यहाँ से अपने चला जाएगा, मैं यहीं चला जाऊंगा, डर रहा हूँ तो, ले वीडियो चल रही है, हम फाइनली सेकंड ब्लॉग हम लोगों ने बना दिया है, भाई मेरा डर चुका था, बहुत ज्यादा घबरा चुका था, बड़ी मुश्किल से संभाला है, तो शीशा तोड़ दूंगा, क्योंकि डर हर इंसान को लगता है, तो किसी अनजान की गाड़ी में नहीं बैठना है, कभी नहीं बैठना है, कभी नहीं बैठना है। और हमारी वीडियो को लाइक करें, देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, तो भाई को डर गया था भाई, मेरे चाय पानी पीने की गाड़ी में बैठोगे, बैठोगे नहीं बैठोगे, कभी नहीं बैठोगे ना, सबक मिल गया, तो भाई को सबक मिल चुका है, आज के बाद कभी गाड़ी में नहीं बैठेगा, तो गाइस गुड बाय।